इस वीडियो में हम जानेंगे सेरामिक इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं इसके, पूरा ए टू जेड आपको बताऊंगा मैं, और कौन सब्जेक्ट में रिपेयर आता है। प्लस सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है बहुत सारे बच्चों का, 90% बच्चों का, हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा लिखा है फिर भी मार्क्स नहीं आता है, और कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम है स्पेशली इन इंग्लिश। ये तीनों का सलूशन भी आपको मिलेगा इसी वीडियो में, बस टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देन जो मार्क्स का प्रॉब्लम है, अंग्रेज़ी इंग्लिश का प्रॉब्लम है, और आपका पढ़ते हो भूल जाते हो, पढ़ने में मन नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, ये सब का सलूशन आपको मिल सकता है बहुत कम टाइम में। ऐसा नहीं कि एक दिन मिल जाएगा, बट बहुत कम, मतलब 2-4 महीने में आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और वंस इन ए लाइफ टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को देखना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना है। सेरामिक टेक्नोलॉजी कौन कौन सब्जेक्ट है देख लेते हैं। बेसिक साइंस कोर्स एक पढ़ेंगे आप, जिसे मैथमेटिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, और एक आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोस्ट प्रॉब्ली आप सी और सी प्लस प्लस सीखेंगे, ठीक है। ये टाइम के साथ साथ थोड़ा सा चेंज होता है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। कुछ कुछ जगह पर क्या है, पाइथन भी सिखा रहे हैं इसके जगह पर, बिकॉज पाइथन कंपेरेटिवली बहुत ईजी है सीखना, मैंने भी सीखा हुआ है काफ़ी, थोड़ा सा बेसिक बोल सकते हो। आगे और सर क्या पढ़ते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन, ये दोनों लैब, और एक कंप्रेहेंसिव लेबोरेटरी असेसमेंट आपको एक कराया जाता है। तो ये पहले सेमेस्टर का पढ़ाई है, पूरा कंप्लीट सिलेबस हम देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से सिलेबस है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम बीच बीच में ऐसे मुझे घुमाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा जो आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ये सिलेबस है, मतलब आपको दिखा नहीं रहा हूँ बिकॉज बहुत टाइम चला जाएगा। तो पहले सेमेस्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देना आप मैथमेटिक्स पर, बिकॉज मैथमेटिक्स में रिपेयर का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है पहले सेमेस्टर में, मैथमेटिक्स 1 में। आप किसी भी कॉलेज से पढ़ेंगे 80-90% सिलेबस यही रहेगा। सो सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स 2, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने से पहले किसी ब्रांच में एडमिशन लेने जा रहे हो, जो तीन प्रॉब्लम इन जनरल बच्चे फेस करते हैं 90% बच्चे, उसका सलूशन जल्द से जल्द आप निकालिए, और सलूशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको फटाक से लेना है, आपको बहुत अमेजिंग सलूशन मिलेगा। ये सलूशन मैंने खुद डेवलप किया हुआ है, स्पीक राइट एंड रीड, ठीक है, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसका प्राइस जो है 1000 रुपीज़ है, 50% ऑफ पे चल रहा है, 100 रुपीज़ और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा बिकॉज आप देख रहे हैं इस वीडियो को मेरे, इसीलिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका, और 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी इस डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल करिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ताकि आपका रिपेयर ना आए, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे सिलेबस में, सिलेबस जो बाकी बच गया वो हम देखेंगे एक एक करके। तो हमारा मैथमेटिक्स हो चुका, उसके बाद इनके लैब्स होंगे, वर्कशॉप होगा, ये बहुत आसान होता है, आप डिफरेंट वर्कशॉप के शॉप में जाते हैं, कारपेंट्री शॉप है, मशीन शॉप है, सीएनसी शॉप हो सकता है, मतलब कंप्यूटराइज न्यूमेरिकली कंट्रोल, उसके बाद कास्टिंग शॉप है ना, ये सारे शॉप होते हैं। अच्छा, 4-5 शॉप करवाएंगे आपको, लैंग्वेज लैब होता है, फिर आपका कंप्रेहेंसिव लेबोरेटरी असेसमेंट होता है। सिलेबस देखेंगे आप, अगर मैं बात करूँगा आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस, इंटीग्रेशन करवाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर हायर ऑर्डर्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। यहाँ पर देख रहे हैं आप 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। कई यूनिवर्सिटीज़ में 4 यूनिट्स पढ़ाया जाता है, तो वेरी करता है यूनिवर्सिटी, बट कोर्स का कॉन्टेंट जो रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कोर्स कॉन्टेंट जो है तो ऑलमोस्ट सेम है। ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। सो थर्ड जो सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप लोग, ये थर्ड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मैम M3 बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसके बाद बेसिक ऑफ मैकेनिकल, बेसिक से पढ़ेंगे मैकेनिकल का, बहुत सिंपल है। सेरामिक रॉ मटेरियल्स यूनिट ऑपरेशन 1, एनर्जी रिसोर्सेज, केमिकल एंड इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स भाई बहुत कमोन है, बहुत सारे आपके
ब्रांचेज में, केमिकल में पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिक में पढ़ते हैं, मैकेनिकल में पढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल में पढ़ते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस पढ़ते हैं, है ना। तो ये काफ़ी एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ते हैं काफ़ी जगह पर। ये लैब होगा, ये भी लैब होगा, ये भी लैब होगा, और ये लैब्स का सारा असेसमेंट होगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड हो चुका है और हम चलेंगे अब फोर्थ की ओर, फील्ड टेस्टिंग लैब, इसके बाद फोर्थ आएगा। ये फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे देख लीजिए, यूनिट ऑपरेशन 2 जरूर पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ सेरामिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ मेट्रोलॉजी, और ए प्रोसेस कैलकुलेशन, इंट्रोडक्शन टू सेकेंड है। या तो एक पढ़ लो या तो ये पढ़ लो, ये बेसिकली प्रोफेशनल एक्टिव कोर्स है, दो में से एक पढ़ाया जाएगा आपको। इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर आपका क्या आता है लैब्स वगैरह आता है, ये लैब्स पढ़ते हैं आप, दो लैब्स इसमें आएगा। फोर्थ सेमेस्टर हो चुका है आपका, सो ये हमारा क्या आ गया, फिफ्थ सेमेस्टर आ गया। इसमें आप पढ़ेंगे क्या, रीफैक्ट्रीज पढ़ेंगे, ग्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाइट वेयर्स, उसके बाद इन दो में से बायोसेरामिक्स या फिर नैनो सेरामिक्स में से एक पढ़ेंगे आप, फिर ये दो में से DBMS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेशन रिसर्च, इनमें से एक पढ़ेंगे। ये कम्प्लीटली आपका न्यूमेरिकल होता है, प्रोग्रामिंग और ये जो है ये अलग होते हैं, आपका कंप्यूटराइज कंप्यूटर सब्जेक्ट्स होता है, और बाकी क्या आता है आपका लैब्स आता है, वो डिपेंड करते हैं आपके टीचर्स क्या चाहते हैं आपको पढ़ाना, उसके हिसाब से है। ठीक है, और इसमें ये फैक्ट्रीज इसमें क्यों आ रहा है, ये हमारे पास थे कौन सा है, अच्छा ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिफ्थ सेमेस्टर हो चुका है, सिक्स सेमेस्टर हमारे पास आएगा, इसमें सिक्स सेमेस्टर पढ़ेंगे अब, जो मैं आपको बताऊंगा। ये कभी कभी क्या होता है ना, इसमें है सीरियल वाइज वैसा नहीं है, थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम है, मेरे को बताते में भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, बस क्या करें, आपको अच्छा डेटा देने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। सिक्स सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे आप देखिए, आप पढ़ेंगे सीमेंट कंक्रीट मोनोलिथिक रिफ्रैक्ट्रीज, फिजिकल सेरामिक्स पढ़ेंगे, एडवांस सेरामिक्स पढ़ेंगे, फिर ये तीनों में से एक पढ़ाया जाएगा, दो है यहाँ पर, दो में से एक पढ़ाया जाएगा। फिर TQM एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, दो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, बड़े आसानी से निकल जाएगा, ये पढ़ा जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल प्रोसेस पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपका लैब्स एंड ग्रुप डिस्कशन होगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, ठीक है। तो ये सिक्स हो चुका है हमारा, फिर आ जाएंगे हम किस में, सेवन्थ में आएंगे, ये कौन सा है, कंक्रीट मोनोथिक लैब, ये सेवन्थ हमारा आ गया, सेकेंड लास्ट सेमेस्टर। तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस पढ़ेंगे, करेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स, नॉन ऑक्साइड सेरामिक्स या फिर कंपोजिट्स पढ़ेंगे, AI या फिर IoT या फिर ML, तीनों में से एक पढ़ाया जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, बाकी आपका क्या है थियोरेटिकल चीज़ें काइंड ऑफ है बोल सकते हो, मतलब लैब्स वगैरह है, बड़ा सिंपल सा है। लास्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे देख लीजिए, यहाँ पर एक बहुत कम पढ़ाई होता है लास्ट सेमेस्टर इन जनरल, ये दो में से एक पढ़ाया जाएगा, सेरामिक प्लांट एंड इक्विपमेंट डिज़ाइन या फिर फर्नेस एंड किल्स डिज़ाइन, प्रोजेक्ट होगा आपका, फिर वाइवा वॉयस होगा आपका प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट आपने किया, ठीक है। ये बेसिकली आपका एट सेमेस्टर का पढ़ाई आपको बताया मैंने सेमेस्टर सेरामिक इंजीनियरिंग में। तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ लगा नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स 1 में आपका रीअपेयर का चांसेस है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, मार्क्स नहीं अच्छे आते हैं आपके, आप पढ़ना चाहते हो लेकिन समझ में तो आपको अच्छा नहीं रहा, तो भाई कोर्स का लिंक कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्रोमो कोड भी डिस्क्रिप्शन में, अभी एनरोल करिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए जड़ से। थैंक यू वेरी मच।